नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने हमेशा की तरह एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, राजस्थान विश्वविद्यालय में संघटक कॉलेज हो या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के विभाग हो या फिर केंद्र हो, इनमें पीजी डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम जैसे कोर्स चलाए जाते हैं। जो कोर्स होते हैं इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी, जी हाँ, बहुत से कोर्स का आप इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि बी लाइब्रेरियन हुआ, या फिर बात करूँ पीजी डिप्लोमा में आ जाता है, योगा की बात करूँ योगा एजुकेशन का भी इसमें आ जाता है। बहुत से कोर्स हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स भी बहुत हैं जो आप कर सकते हैं, स्किल बेस्ड कोर्स भी बहुत से हैं जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर फोरम चालू है भैया, ये ध्यान रहे। कल नोटिस आया है, यहाँ पर डेट बढ़ने का नोटिस आया। एक बार तो डेट यहाँ पर निकल भी चुकी थी इस फोरम की, लेकिन अब डेट बढ़ गई है। यहाँ पर इसका वीडियो पहले अवेलेबल नहीं करवा पाया था, अब अवेलेबल करवा रहा हूँ। यहाँ पर सारी जानकारी बताऊंगा कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, कितने फोरम अब तक लग चुके हैं, अंतिम तिथि क्या होने वाली है, क्या क्या योग्यता है किस कोर्स के लिए, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। परसेंटेज के बेस के आधार पर एडमिशन होने वाला है, ध्यान रखें। कई कोर्सेज तो ऐसे हैं जिसमें दो चार फोरम ही लगे हैं अभी तक, तो सीटें वहां पे खाली रहेंगी, तो ध्यान रहे। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बेस्ट यूनिवर्सिटी इन राजस्थान, यहाँ पर सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल होने वाली है। चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पर। सबसे पहले तो देख लीजिए भैया, स्क्रीन पर नोटिस देखने को मिल रहा है यहाँ पर, प्रवेश संबंधी सूचना। यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 जुलाई पहले डेट थी, वो बढ़ाकर 23 जुलाई रात्रि 12 बजे तक कर दी जाती है। तो डेट बढ़ा दी गई उस एडमिशन फॉरम की, ध्यान रखें। ये कौन सा है, पीजी डिप्लोमा हुआ, पोस्ट डिप्लोमा हुआ, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हुआ, ये तीन प्रकार के यहाँ पर चीजें हैं। अब कौन कौन से कोर्सेज हैं उसकी सूची की बात मैं कर लेता हूँ भैया, ना तो ध्यान रहे, मैं सूची की बात कर लेता हूँ। ये कोर्सेज हैं भैया, और फोरम के डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई है। इस पे अभी तक आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ शाम तक, यहाँ पे इतने फोरम लग चुके हैं, तो ध्यान रखिए। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्किल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मैनेजमेंट इसका कोर्स है भैया, इवेंट मैनेजमेंट हुआ, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट एसएफएस से हुआ, ट्रेवल एंड टूरिज्म एसएफएस से हुआ, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, पेंटिंग, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये लैंग्वेज कोर्सेज हैं भैया अगर आप करना चाहते हैं तो। जैन दर्शन एंड संस्कृत कोर्स है भैया, दो ही फॉर्म लगे हैं इस पर, तो ध्यान रखें। स्पेनिश हो गया, और बात करूँ लाइब्रेरियन का जो होता है ना, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, योगा एजुकेशन इन सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, पोस्ट पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग, सर्टिफिकेट इन उर्दू लैंग्वेज, गांधियन थॉट्स एंड फिलोसफी, और पीजी डिप्लोमा इन एनवायरमेंट स्टडीज, पीजी डिप्लोमा इन पॉपुलेशन स्टडीज। तो ये कोर्सेज हैं, और बगल में जो संख्या देखने को मिल रही है ना भैया, ये अभी तक इन पे फॉर्म लगे हैं। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन किस में है भैया, देख लीजिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड योगा एजुकेशन में है, ये ध्यान रखें। सबसे ज्यादा कंपटीशन, बाकी में संख्या कम है यहाँ पर। सर्टिफिकेट इन जर्मन हुआ, लैंग्वेज कोर्स तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग यहाँ पर, आज के समय में ट्रेंड भी बन चुका है लैंग्वेज कोर्स का, तो ध्यान रहे। ये सभी कोर्स होने वाले हैं, 23 तारीख अंतिम तिथि होने वाली है। देखो 21 की शाम तक मैंने फॉरम की डेट यहाँ पर दी है, कि इस ऐसे ऐसे मतलब कि फॉरम भरते गए हैं, देखो यहाँ पर डेट बढ़ी है ना। तो अभी लास्ट डेट कौन सी होने वाली है, 23 तारीख होने वाली है, 23 जुलाई। फॉरम लगा दीजिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट यूएनआई राज पर पोर्टल बना हुआ है, यूजनराज एडमिशन 2023-24, उससे आपको फॉरम लगाना है, वहां पर पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का ऑप्शन है, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि कौन से कोर्स के लिए क्या योग्यता रहने वाली है, उसके बारे में बात हम कर लेते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। ये तो कोर्स की सूची है भैया, देखो जो मैंने आपको बताई वो सेम वही है सारी चीजें, है ना। अब बात करते हैं, देखो जहां जहां पे मेरिट लिखा है ना, वो ध्यान रखना वो इसमें अवेलेबल है ना। ये जैसे नीचे पीजी डिप्लोमा इन जैन स्टडीज आर्कियोलॉजी, ये यूआरटी पीजी के तहत होता है, लेकिन ऊपर की जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखो, पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन इकोलॉजी मेरिट बेस होता है भैया, ये ध्यान रखें। और पीजी आपका होना चाहिए यहाँ पर, पीजी डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल स्टडीज पीजी होना चाहिए, सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि इतनी ये सब्जेक्ट होना चाहिए, और 50% आपकी मिनिमम होनी चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग ये ध्यान रखें, तो इसमें भी साइकोलॉजी से आपका मतलब कि 55% होना चाहिए, 30-30 सीटें हैं, मेरिट बेस परसेंटेज बेस पे आपका एडमिशन रहेगा। और चलते हैं भैया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्स, ये बहुत ज्यादा लोग करेंगे इस कोर्स को, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट से, ध्यान रखें। 50 सीटें होने वाली है, मेरिट बेस एडमिशन होने वाला है। योगा एजुकेशन की बात करूं तो भैया ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, मेरिट बेस एडमिशन रहेगा। ये यूआरटीपीजी जिसमें लिखा है उसको हटा देना, क्योंकि ये एंट्रेंस वाले हैं, इसमें अवेलेबल नहीं है ना, मेरिट बेस में अवेलेबल नहीं है। ये देखो लैंग्वेज कोर्सेज है भैया, सभी के लिए अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पर, कि लैंग्वेज से आपका यहाँ पे किया हुआ हो और उसके बाद में मेरिट बेस आपका एडमिशन है, आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। सीटें को विवरण दिया हुआ है, 15-15 सीटें रहने वाली हैं। फ्रेंच लैंग्वेज की बात हो गई, कि इसी से रिलेटेड मतलब कि लैंग्वेज में आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए पहले ही। एलिजिबिलिटी सभी की दी हुई है यहाँ पर, देख लेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। ये सबसे मोस्ट एक है जो मतलब सबसे ज्यादा किया जाने वाला कोर्स है, बी लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेटिव साइंस, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर इसकी 45% से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स है भैया, ध्यान रखें।
फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आता है और बैचलर ऑफ मास्टर डिग्री एंड इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड आपका 45% होना चाहिए। आप कर सकते हैं, 80 सीटें होने वाली है, परसेंटेज बेस आपका एडमिशन होने वाला है। ग्रेजुएशन में 45% अगर आपका है तो आप आवेदन कर सकते हैं भैया, ध्यान रखें। और 12th बेसिस पे भी कुछ कोर्स हैं भैया, ये ध्यान रखें। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, आपने देखा होगा बहुत से प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो उसमें इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट टीम होती है ना वहाँ पे, उसका भी कोर्स यहाँ पर करवाया जाता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट, इसका भी कोर्स है। 12वीं पास के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे कोर्स है, 50-50 सीटें होने वाली है, ध्यान रखें, मेरिट बेस्ड होने वाला है। तो इस तरीके से सभी का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर सबको अपलोड कर देता हूँ पीडीएफ को, इसको वहां से देख सकेंगे। ध्यान रहे सारी जानकारी मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है, ये कुछ पेज मैंने डबल बार ऐड कर दिए होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, फॉर्म चालू हो भैया, परसेंटेज बेस एडमिशन है, अभी फॉर्म लगाना है, ध्यान रखें। फॉर्म की लास्ट डेट क्या होने वाली है ये देख लीजिए, स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, 23 जुलाई 12 बजे तक आपकी रहने वाली है, रात 12 बजे तक, ध्यान रखें ना। फॉर्म लगाना है राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, अगर आप करना चाहते हैं ये कोर्सेज कर सकेंगे। चाहे क्वालिफिकेशन 12th पास वालों के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी अवेलेबल है और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी अवेलेबल है। तो डिप्लोमा कोर्स हुआ, पीजी डिप्लोमा कोर्स हुआ और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हो, तीनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कि वैलिड है, यहाँ पर सभी चीजें वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी मतलब समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि इनमें फीस कितनी रहने वाली है। तो प्रोस्पेक्टस जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का आया हुआ मैंने पहले अपलोड कर रखा है, फिर से अपलोड कर दूंगा आज की डेट में, तो दिक्कत नहीं आएगी। सभी कोर्सेज की अलग अलग फीस है, वो आप देख सकेंगे। तो अभी आपको फॉर्म लगाना है, उसके बाद में परसेंटेज आएगी, मेरिट आएगी, मतलब ध्यान रखें, लिस्टें आएंगी कोर्स के हिसाब से भी इन इन लोगों का हुआ है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, ध्यान रहे। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी जानकारी आपको अवेलेबल होने वाली है।